मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है ईरान के इजराइल पर हमले के बाद। अब इजराइल के ईरान पर हमले की आशंका है। ईरान इस समय हाई अलर्ट पर है क्योंकि इजराइल किसी भी समय ईरान पर बड़ा अटैक कर सकता है। इसी बीच सीरिया और लेबनान से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और खबर ये है कि इजराइल ने सीरिया और लेबनान दोनों की राजधानियों पर बड़ा हमला किया है। इजरायली सेना ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में 2 अक्टूबर को एक हवाई हमला किया था। इस हमले में हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्लाह के दामाद हसन जाफर कासिर समेत 2 लेबनानी नागरिकों के मारे जाने की खबर है। बता दें कि 27 सितंबर को इजरायल ने हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्लाह को टारगेट करते हुए हिजबुल्ला के मुख्यालय पर बमों की वर्षा की थी जिसमें नसरल्लाह की मौत हो गई थी। और अब सीरिया में इजरायल ने नसरल्लाह के दामाद हसन जाफर कासिर को मार दिया है। आपको बता दें कि हिजबुल्ला चीफ नसरल्लाह की मौत के बाद इराक में हसन नसरल्लाह के नाम पर नवजात बच्चों का नाम रखने का चलन बढ़ गया है। इराक की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक पूरे देश में लगभग 100 बच्चों का नाम नसरल्लाह के नाम पर रजिस्टर्ड कराया गया है।